दोस्तों के बीच स्टाइल मारने के लिए पिस्तौल के साथ फोटो निकालने के चक्कर में एक आईटीआई छात्र क्राइम ब्रांच के हाथ लग गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पिस्तौल और कारतूस बरामद की। आरोपी यश और बॉबी अनिल पाटिल बताया गया। यश आईटीआई का छात्र है, वह आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ में रहता है। उस पर अजनी पुलिस थाना अंतर्गत मारपीट का केस भी दर्ज है। बॉबी को भाईगिरी का चस्का है, इससे उसने कुछ समय पूर्व पिस्तौल और कारतूस खरीदे। बॉबी ने पिस्तौल में कारतूस डालते हुए फोटो निकालकर मित्रों को व्हाट्सएप पर भेजे। इसकी पुलिस को भनक लग गई। पुलिस ने योजना बनाकर बॉबी को पकड़ लिया। उसके पास पिस्तौल दो कारतूस मिले हैं। बॉबी ने पिस्तौल और कारतूस जलालखेड़ा परिसर से खरीदने की जानकारी दी। काल दिनांक 2/8/2020 रोजी आपल्याला एका आपल्या गोपनीय बातमीदारांनी एक फोटो दिला। त्यात एक मुलगा एक देशी कट्टा घेऊन दिसत आहे त्या फोटोमध्ये। तर त्या बातमीच्या आधारे आम्ही काल पोलीस स्टेशन अजनीच्या हद्दीमध्ये कैलासनगर येथून यश उर्फ बॉबी अनिल पाटील हा 21 वर्षाचा मुलगा आहे, तो सध्या शिक्षण घेत आहे, याच ताब्यात घेतला असता त्याच्याकडे आम्हाला एक पिस्टल आणि 2 राऊंड मिळून आले आहेत। त्यानंतर त्याला आम्ही ताब्यात घेऊन योग्य ती कारवाई करून पुढील कारवाई का आम्ही कोष्टी अजनी पोलीस स्टेशन अजनी यांच्या ताब्यात दिलेला आहे। तसेच आमच्यामार्फत त्याने तो कट्टा कुठून आणला, कोणाकडून आणला व त्याचा तो नक्की काय यूज करणार होता, याबाबत आम्ही समांतर तपास करीत आहोत। सदरची कारवाई जी आहे ती पोलीस निरीक्षक संतोष खांडेकर, अप्पर पोलीस आयुक्त धर्मी सर, तसेच पोलीस उपायुक्त राजमाने सर आणि सहायक पोलीस आयुक्त नंदनवार सर व जाधव सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली युनिट 1 पथकाने केलेली आहे। बॉबी द्वारा आपराधिक वारदात के इरादे से पिस्तौल खरीदने का संदेह है। उस पर हथियार निरोधक कानून के तहत केस दर्ज किया गया। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ क्षितिज देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़ नागपुर।